जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। सीआरपीएफ में जीडी और हेड कांस्टेबल के पदों पर एक नए रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है, वो सीआरपीएफ की ऑफिशियल साइट पे आ चुका है। और जब से ये नोटिफिकेशन आया है तब से लेकर लगातार अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर नया जो रिक्रूटमेंट, एक और रिक्रूटमेंट आया जो सीआरपीएफ का, जिसमें काफी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोस्टों पर वैकेंसीज निकली है, जिसमें जीडी के पद भी है, हेड कांस्टेबल के पद भी है, एएसआई के पद भी है, क्या इस रिक्रूटमेंट के लिए हम भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल इस वीडियो में पूरा को पूरा नोटिफिकेशन आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि आखिर कौन कौन इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका भी सपना है सीआरपीएफ में भर्ती होने का तो बिल्कुल ये रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो किन अभ्यर्थियों के लिए रिक्रूटमेंट निकला है, क्या क्या आप लोगों की क्वालिफिकेशन सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह होने वाला है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा जरूर देखना। ये वीडियो पूरा देखने के बाद में इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी है वो आप लोगों को डिटेल से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले यहां पर आप देख रहे होंगे हम सीआरपीएफ की ऑफिशियल साइट पे हैं और यहां पर आप देख सकते हैं कंपोजिशन एट अपॉइंटमेंट वैकेंसी पोजीशन, यहां पर आपका ये नोटिस है। सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूं, ये नोटिफिकेशन है, ये पूरा डाउनलोड होकर आ चुका है मेरे सामने। अब यहां पर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट आपकी वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। मैं आपको डिटेल से सारी वैकेंसियों के बारे में चर्चा भी कर लेता हूं। यहां पर देखो एएसआई फार्मेस्ट की वैकेंसी है, उसके साथ ही एएसआई टेक्निकल सिग्नल स्टाफ की वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट की वैकेंसी है, कांस्टेबल जीडी मेल की और कांस्टेबल ट्रेड्समैन एसके मेल की भी वैकेंसी, मतलब सफाई कर्मचारी की, कांस्टेबल ट्रेडमैन बिगुलर मेल की वैकेंसी है, कांस्टेबल ट्रेडमैन पेंटर की वैकेंसी है, कांस्टेबल ट्रेडमैन ड्राइवर मेल की मेल कैंडिडेट की वैकेंसी है, कांस्टेबल ट्रेड्समैन कारपेंटर मेल की और कांस्टेबल ट्रेड्समैन कुक और वाटर कैरियर की वैकेंसी। टोटल जो वैकेंसी की बात करूं तो यहां पर 397 वैकेंसी है जो कि ऑल ओवर इंडिया सभी राज्यों के कैंडिडेटों के लिए रिक्रूटमेंट निकल गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर ये अलग से रिक्रूटमेंट सीआरपीएफ ने क्यों निकाला है और किन अभ्यर्थियों के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आया है। तो बिल्कुल ऑफिशियल, सबसे पहले मैं आपको डेट भी यहां पर दिखा देता हूं कि काफी बच्चे ये भी कंफ्यूज रहेंगे कि सर ये कब का नोटिस है, हो सकता है पहले का भी नोटिस हो। भाई डेट यहां पर आप देख लेना, और मैंने ये भी आपको दिखा दिया कि ये नोटिस मैंने सीआरपीएफ की ही रिक्रूटमेंट की ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया है। तो ये सारी की सारी जानकारी ऑथेंटिक है और रियल जानकारी है। अब देखो 19 दिसंबर 2023 को ये नोटिस आपका जारी हुआ है, किसकी साइड पे, सीआरपीएफ की साइड पे। अगर मैं इस नोटिस के बारे में बात करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं नोटिस में सारी चीजें साफ साफ लिखी गई है, रिक्रूटमेंट के बारे में पूरी डिटेल दी गई है। साथ ही इन्होंने लिखा है कि भाई ये रिक्रूटमेंट कंपोजिट अपॉइंटमेंट के लिए है, वैकेंसी पोजिशन एज ऑन डेट, डेट डिटेल अवेलेबल, वैकेंसी वेरियस रैंक अंडर कंपोजिट अपॉइंटमेंट कोटा आर अंडर। अब देखो ये कंपोजिट अपॉइंटमेंट होता क्या है, इसके बारे में जानकारी मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूं, क्योंकि इनमें कुछ कैंडिडेट है वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, देखो ये अनुकंपा के आधार पर बहुत सारी भर्तियां होती है जो डिपार्टमेंटल तरीके से करवाई जाती है। अब आप बोलोगे सर ये अनुकंपा क्या होती है, भाई अनुकंपा का मतलब होता है आश्रित। जैसे अगर आपके कोई रिलेटिव आपके फादर से आपका ब्रदर है या वो आपको सीआरपीएफ में जॉब कर रहा है, अगर आप उनके आश्रित हो, अगर आप 10वीं पास हो, तो आप भी भाई इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप भी सीआरपीएफ में भर्ती हो सकते हैं। इसलिए ये रिक्रूटमेंट केवल उन्हीं लोगों के लिए आया है जो कि सीआरपीएफ के जो लोग हैं उनके आश्रित कोई है और वो इलिजिबल है भाई सीआरपीएफ में भर्ती होने का, तो उनके लिए रिक्रूटमेंट निकल के आया है। तो ये सभी कैंडिडेटों के लिए रिक्रूटमेंट नहीं है और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर आपका कोई भी भाई रिलेटिव हो और वो अनुकंपा के आधार पर रिक्रूटमेंट में भर्ती होना चाहते हैं, उनके रिलेटिव है ऑलरेडी सीआरपीएफ में, तो भाई वो भर्ती ले सकते हैं। उसे इस रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ी सी जानकारी आप जरूर बता देना, साथ में इस वीडियो को जरूर उनके पास में शेयर कर देना ताकि सभी तक महत्वपूर्ण अपडेट पहुंच जाए, क्योंकि वैकेंसी काफी अच्छी है। टोटल वैकेंसी की बात करता हूं मैं तो भाई टोटल जो वैकेंसी है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पोस्टों को मिलाकर तो भाई 397 वैकेंसी है जो कि काफी बड़ी वैकेंसी आप इसे मान सकते हैं। और इस रिक्रूटमेंट में जो सिलेक्शन होगा वो भी आपके फिजिकल वगैरह के आधार पर ही ये रिक्रूटमेंट आप लोगों का होने वाला है। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं सीआरपीएफ की साइट पे भी जाके। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं बहुत सारे नौजवान हैं जो सीआरपीएफ में भर्ती होने का सपना देख रखे हैं और अभी एसएससी जीडी की वैकेंसी भी आ चुकी है, अभी सीआरपीएफ में बहुत सारी वैकेंसी आप लोगों की इंक्रीज होनी है। भाई इंक्रीज वैकेंसियां तो होती रहेगी लेकिन आपको मेहनत करनी है, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन है वो एसएससी का काफी कॉम्पिटेटिव रहता है, काफी कॉम्पिटिशन है, और जो बच्चा बेसिक से और टारगेटेड और डेडिकेटेड तैयारी कर लेगा बिल्कुल वो आसानी से सिलेक्शन ले लेगा। अगर यहाँ पर बात करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसएससी जीडी के लिए अगर आप बुक की तलाश कर रहे हैं तो भाई चक्षु पब्लिकेशन की मार्केट में गाइड आ चुकी है जो कि एक स्टडी गाइड है और दूसरा इसका प्रैक्टिस सेट है। तो दोनों ही बुकों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाकर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और ज्यादा शानदार जानदार कर सकते हैं। इसके अलावा बता दूं एसएससी जीडी के लिए हमारा टारगेट बैच आ चुका है, ब्रह्मास्त्र बैच,
जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की लाइव और रिकॉर्डेड दोनों क्लासें मिलेगी, वो भी टॉपिक वाइज। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा बिल्कुल जीरो से लेकर उस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। जो नौजवान है पहली बार में ही एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए बैच शानदार रहने वाला है, जिसमें पूरा स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, जिसमें टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ नोट्स दी जाएगी जिसे आप शॉर्टली पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि एग्जाम ऑनलाइन होगा तो भाई प्रैक्टिस ऑनलाइन करनी पड़ेगी, इसके लिए टैट सीरीज भी इस कोर्स में अवेलेबल रहेगी आप लोगों के लिए, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। साथ ही आपको संडे टू संडे जो लाइव टेस्ट होगा वो भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। और ये सब कुछ पूरा का पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो आपको घर बैठे मात्र आपको 299 रुपए में मिल रहा है। तो भाई अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि 299 की रकम ज्यादा नहीं होती लेकिन आपकी जो नौकरी है वो बहुत जरूरी है, इसलिए आप अच्छे से तैयारी करो, अभी जाके बैच ज्वाइन कर लो और आज से तैयारी को शानदार तरीके से शुरू कर दो। कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, हमारी टेक्निकल टीम आपको 24 आवर्स सपोर्ट करती रहेगी। तो दोस्तों स्टूडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।